अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी खुशियों से भरी हुई चांद रात मुबारक हो। अल्लाह ताला सबकी ऐसी हज़ारों चांद रातें सबको देखना नसीब फरमाए। मैं यहाँ पर आ गई हूँ जनाब पार्लर पर, सारे घर का काम निपटा कर, खाना शाना बना कर, खीर बना कर, आज दफ़ा आज खीर भी जल्दी बना ली है, खीर बना कर, तो पार्लर पर थोड़ा सा काम था वो करवाने आई हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से जाकर जाऊँगी अपने हस्बैंड के साथ बाइक राइड पर, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। हम लोग आज बहुत मज़े मज़े की बाइक राइड कर रहे हैं। ऐसे ही थोड़ा सा काम था, मैंने इनसे कहा कि आज ना बाइक पर चलते हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है, ठीक है। शॉपिंग करके हम लोग वापस आ गए थे घर, तो उसके बाद जनाब घर से शॉपिंग करके आए थे ना, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। इसी ब्लॉग में आ गए, ठीक है। तो थोड़ा सा काम था, कल भी हम लोग जब गए बाहर तो इत्तेफाक से ही बारिश स्टार्ट हो गई। आज भी मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है, अभी बारिश तो नहीं हो रही मगर ये क्योंकि ठंडी हवा चल रही है, तो बाइक पर भी बाहर जाने का मन नहीं करता, ठीक है। तो दोनों कहा यहाँ से शायद कहीं से चाय पिएगी दोनों, या चर्सी चाय पी। हाँ चर्सी, चाय का नाम चर्सी है, उसमें चर्स नहीं होती। सच बताना कितना फनी नाम है कि चर्सी चाय, ठीक है। वो उसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए उसको इसके साथ मुशावरत दे रही है चर्स के। ठीक है, वो देखें वो झूले लगे हुए, तो चलते हैं अंदर, चल के आपको मैं दिखाती हूँ। ये एरिया सारा वो ओवरब्रिज है जो शहर की तरफ से आ रहा है, और ये इधर मुल्तान रोड है आगे जो मुल्तान की तरफ जा रहा है, ठीक है। और जनाब वो है जेंट्स एरिया, वो देखें, और ये है जहाँ से स्टेयर से मैं नीचे जा, ये देखें ये है फैमिली एरिया सारा, ठीक है। तो दिखाती हूँ आपको फैमिली एरिया भी, ये देखें सारी फैमिलीज ही बैठी हुई हैं। दूर तक वो सामने प्लेलैंड है, छोटा सा उन्होंने बनाया हुआ है मगर बहुत ज़बरदस्त है, बहुत लोग आते हैं यहाँ पर ना, चाय पराठे रोल और मीठे पराठे भी, शक्कर वाला पराठा, शक्कर वाली चाय फेमस है इनकी। तो अब ये आए थे कि उन्होंने ना एरिया बढ़ा लिया है, जब हम लोग पहले आए थे तो तब इतना ये वाला सिस्टम इधर इतना नहीं था, अब इन्होंने ना और भी आई थिंक बढ़ा कर लिया है। ये देखिए चारपाइयाँ बिछी हुई हैं, सारा देसी सा माहौल है। हाँ जी ठीक है, बहुत अरसों बाद ऐसे टाइम मिला। वैसे तो अब जब बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर पेरेंट्स को दोबारा से एक बार फिर टाइम मिलता है, मगर अभी तब मैं ज़्यादा फ्री हो जाऊंगी, जब इंशाल्लाह बच्चियों की शादियां वगैरह कर लूंगी तो फिर हम लोग बिल्कुल सारे फ़र्ज़ों से फ्री हो जाएंगे, तो फिर ठीक है। उनके फ़राइज अदा करने से भी पहले मेरा दिल है कि हम लोग, मैं ना उम्रा करके आऊँ, तो इंशाल्लाह हमने पॉलिसी करवाई हुई है, ठीक है। मैंने करवाई थी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी, तो वो अब तकरीबन एंड हो गया उसका, तो इंशाल्लाह मेरा दिल है कि जब वो मेरे पैसे मिले, वो मेरे अपने पैसे हैं,
ठीक है, तो वो जैसे ही मिल जाए तो फिर मैं इंशाल्लाह हम मेरा दिल है कि मैं ना उमरा करने जाऊँ। मेन्यू इनका क्या है? ये है जी चाय दिलारी वालों का मेन्यू, ये सलाद सैलड भी है, बारबेक्यू है, राइस है, ठीक है, चाइनीज़ हैं, बीफ कढ़ाई, मटन। अभी इन्होंने ना ये काफ़ी सारा चीज़ें बढ़ा ली हैं, पहले इतना सारा कुछ नहीं था। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह चाय दुलारी पे खाना हमारा आ गया। आसम साहब ने रेशम कबाब ऑर्डर किए थे अपने लिए और साथ रोटी, ठीक है, और मैंने किया था मीठा पराठा, शक्कर वाला पराठा और साथ चाय। चाय हम दोनों इन्जॉय करेंगे बाद में। तो मेरा ये मीठा पराठा, ये खाना आसम साहब का है, ठीक है। ये है सर जनाब हमारे पास पानी, और अब हम खाना इन्जॉय करते हैं, ठीक है। तब तक आप वेट करें, खाना इन्जॉय करने के बाद फिर इसका बताऊँगी कि मैं, क्योंकि यहाँ का पराठा रोल ये सारी चीज़ें जो रिफ़्रेशमेंट टाइप चीज़ होती है वो तो हमने पहले भी खाए हुए हैं, मगर ये रेशमी कबाब वगैरह ये सारी चीज़ें फ़र्स्ट टाइम खा रहे हैं। तो इसका रिव्यू मैं बताती हूँ आपको कि ये कैसी हैं, इस दफ़ा इनका टेस्ट कैसा है। हाँ जी आसम साहब, अच्छा वाह जी वाह, आसम साहब ने तो राय दे दी है कि एकदम बेहतरीन है, ठीक है। अब मैं खुद एक चटनी जो है मीठी है। अच्छा एक मिनट, ये देखें। हाँ जी आसम साहब, अब बताएँ कैसा है खाना? चटनी मीठी है और कबाब मज़े के हैं। कबाब बहुत मज़े के हैं, और ये आप भी एक टेस्ट लें। हाँ जी बताएं कैसा है? टेस्टी है ना? एक बाइट इन्होंने मेरे मुंह में भी डाल दी है। सच में ही रेशमी कबाब बहुत मज़े के हैं। जो बहावलपुर में रहने वाले लोग हैं वो जब आप यहाँ आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। बस अब रास्ते में इंशाल्लाह उम्मीद है वीडियो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बाइक पे बैठे हुए वीडियो बनाना बहुत रिस्की होता है। सिर्फ आपको दिखाना था इसलिए बनाई थी, उसके लिए माजरत। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो आसम साहब अल्लाह हाफिज़ कर दें, अब चलें जी, अल्लाह इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, खाना खा लें, अल्लाह हाफिज़। Yeah.